Hello everyone, hope you are fine and taking good care of your health. Welcome to this video. In this video we are solving two numericals 7.4 and 7.5. The statement of 7.4 is the density of air is 1.3 kilogram meter per cube. Find the mass of air in a room measuring 8 meter multiplied by 5 meter multiplied by 4 meter. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थ्री लेंथ्स दी गई हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वॉल्यूम का आपको फार्मूला पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो जब थ्री आपके पास ये लेंथ ब्रीथ और हाइट थ्री जो मेजरिंग हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हों, तो इसका मतलब हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है। डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन, दैट इज 1.3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, एंड वॉल्यूम of air is given, that is 8 meter multiplied by 5 meter multiplied by 4 meter. And what we have to find here, we have to find mass of air. Okay, now we know that the formula of mass. First of all we write the formula of density. We know that density is equal to mass over volume. From here we can find the formula of mass. You can see volume is divide here, it will be multiplied on the left side of equal. एंड हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, लेफ्ट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मास हमारे पास फार्मूला है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। नाउ वी पुट द वैल्यूज, मास इज इक्वल टू, वी पुट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू 1.3, एंड वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 160, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 1.3 एंड मल्टीप्लाई बाय 160 वी गेट हेयर मास इज इक्वल टू 208 kg, एंड दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल 7.4। नाउ वी सॉल्व न्यूमेरिकल 7.5। इट्स स्टेटमेंट इज अ स्टूडेंट प्रेस हर पाम बाय हर थंब विद अ फोर्स ऑफ 75 newton. How much would be the pressure under her thumb having contact area 1.5 cm². एक पहले हम इसी स्टेटमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं। एक स्टूडेंट है आपके पास, वो अपनी पाम को अपने थंब से प्रेस कर रही है एक फोर्स लगाकर 75 newton। तो उसका जो थंब है वो उसकी पाम पर जितना एरिया रखता है वो है 1.5 cm², थंब से जो वो अपने पाम पर प्रेशर लगा रही, फोर्स लगा रही है, तो वो जो कॉन्टैक्ट एरिया है मतलब जहाँ पर वो थंब उस हथेली पर लग रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, उसका जो एरिया है वो है 1.5 cm². हमने क्या फाइंड करना है कि वो कितना प्रेशर लगा रही है अपने थंब के जरिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट गिवन डेटा, फोर्स इज गिवन दैट इज 75 newton, एंड एरिया इज गिवन दैट इज 1.5 cm². आपको पता है जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 1 meter इज इक्वल टू 100 cm। अगर आपके पास सेंटीमीटर की गिवन हो, मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो ये 100 लेफ्ट साइड पर जाकर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 cm इक्वल टू 1/100 meter। अगर मैं सेंटीमीटर को 2 times मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पर भी ये 1/100 meter और 1/100 meter 2 times मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1 cm². अब ये देखें, यहाँ पर सेंटीमीटर स्केयर था ना, इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्केयर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को 2 times मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/100 / 100, ये 100 जो डिनोमिनेटर में है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। यहाँ पर मीटर, मीटर से जब 2 times मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्केयर आएगा, 1 × 1 = 1 आएगा। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, 2 times मल्टीप्लाइंग सेंटीमीटर स्केयर आएगा, 1 × 1 = 1 आता है। अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1, बट यहाँ पर क्या है 1.5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 की जगह 1.5 आ जाएगा। ये देखें 100 4 zeros हैं, 10,000 आएगा, उसको आप 10^4 भी लिख सकते हैं। न्यूमिनेटर में जाके फ्रैक्शन के अबव जाकर वो +4 −4 में चेंज हो जाएगा। ये हमने सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। नाउ वी कम टू इट्स सॉल्यूशन, प्रेशर फार्मूला इज फोर्स ओवर एरिया। नाउ वी पुट द वैल्यूज, द फार्मूला ऑफ प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया।
और जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू है वो है 75 और एरिया है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10^-4। उनकी वैल्यू जस्ट पुट कर लिए हैं हमने। हम जब 75 को 1.5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 50। 10^-4 फ्रैक्शन के अबव जाकर न्यूमिरेटर में जाकर प्लस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये देखें, ये आपके पास एक जीरो, ये भी इसमें ऐड हो गया। 10^-5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 5 बच जाएगा। और प्रेशर हमारे पास आ जाएगा, आप यहाँ तक लिख दें वो भी जवाब ठीक है। और प्रेशर का यूनिट आपके पास क्या होता है? NM-2 होता है। दिस इज न्यूमेरिकल 7.5। थैंक यू।